केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मातृभूमि के लिए पुलिसकर्मियों के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा, आज हमारा देश हर दिशा में तरक्की करता नजर आ रहा है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश भर से पुलिस बल और CAPF के 35,000 से अधिक जवानों ने देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अमित शाह ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा में सकारात्मक बदलाव आया है। इससे पहले पूर्वोत्तर कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। पहले सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार दिए जाते थे, युवाओं को उनकी प्रगति के लिए विशेष अधिकार दिए जाते हैं। आज पुलिस स्मृति दिन के अवसर पर पुलिस स्मारक पर मैं आज देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज हमारा देश हर दिशा में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता हुआ दिखाई दे रहा है। आजादी के 75 साल के बाद हम आज संतोष से, चैन से इतना कह सकते हैं कि हम हमारे गंतव्य स्थान पर निश्चित रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ